हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं बात करूंगा होम्योपैथिक रेमेडी डायस्कोरिया बारे में। डायस्कोरिया एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है, मतलब प्लांट से बनती हुई दवाई है। इसकी ज़्यादातर एक्शन मेनली पेट के तकलीफों में, दूसरा बैक के प्रॉब्लम, नेक के प्रॉब्लम, साइटिका और सेक्शुअल ऑर्गन पे है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेट के प्रॉब्लम के बारे में। एक डायस्कोरिया को पेन रेमेडी बोलते हैं, मतलब उसका पेन जो है वो यूनिक पेन है। मतलब क्या होता है, पेन एक जगह पे अपीयर होगा, वहां थोड़ी देर में वहां से चला जाएगा, डिसअपीयर होगा और कहीं दूसरी जगह पे वो पेन अपीयर होगा। ज्यादातर पेन डिस्टेंट पार्ट में, मतलब दूर के पार्ट में दिखता है। सपोज मैं एग्जांपल दूं कि ये एक गोल्ड ब्लेडर स्टोन की अच्छी दवाई है, तो जब भी गोल्ड ब्लेडर पेन होता है, गोल्ड ब्लेडर में स्टोन होता है, उसकी वजह से जो पेन होता है वो पेन लीवर में तो होता है, तुरंत वो शिफ्ट होके राइट निपल तक चला जाता है। वैसे ही ये दवाई किडनी प्रॉब्लम के लिए अच्छी दवाई है। तो जब किडनी स्टोन होता है तो किडनी स्टोन का पेन है वो नीचे टेस्टिस तक चला जाता है। तो इस तरह से इसका पेन जो होता है वो रिमोट प्लेस में होता है। ये मेडिसिन का डाइजेशन पावर बहुत वीक होता है, खास करके जो लोग चाय पीते हैं, जो ज़्यादा चाय के हैबिटेट लोग हैं, उनका डाइजेशन पावर काफ़ी वीक हो जाता है। उसकी वजह से वो जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट भरा भरा लगता है, ऐसे रंबलिंग सेंसेशन पेट में लगता है और उसकी वजह से बहुत फ्लैटस पास होता है। तो काफ़ी गैस पास होने वाली यह दवाई है, क्योंकि डाइजेशन वीक होने की वजह से। अब मैं बात कर रहा हूँ, यूनिक सिम्टम उसका यह है एब्डोमिनल पेन। यूजुअली क्या होता है, लोगों को पेट का दर्द होता है तो आगे झुक के ही उनको आराम लगता है, लेकिन डायस्कोरिया मेडिसिन में पेशेंट अगर स्ट्रेट बैठेगा, सीधा बैठेगा तो उसको अच्छा लगता है, या तो पीछे की साइड बैठेगा, बेंडिंग बैकवर्ड, वो पोजीशन में उसको अच्छा लगता है। तो पेन, एब्डोमिनल पेन, एग्रावेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड और बेटर बाय सिटिंग स्ट्रेट और बेंडिंग बैकवर्ड, ये बहुत यूनिक मोडालिटी है। अब आप ये मोडालिटी को कंपेयर करो कोलोसिन से। कोलोसिन में क्या है कि ज्यादातर पेशेंट को पेट दबा देता है, आगे झुक जाता है तो अच्छा लगता है। मैकफोस में भी इस तरह की मोडालिटी है, लेकिन कोलोसिन और मैकफोस से रिवर्स मोडालिटी आपको डायस्कोरिया में दिखाई देगी। और मैं बताऊं उसके सेक्सुअल सिम्टम्स, तो उसको विविड ड्रीम्स होते हैं, रात को भी उसको वुमन के ड्रीम्स आएंगे और रात में ही उसको सीमेन पास हो जाएगा। और जब भी उसको सीमेन पास होता है तो उसको नी में पेन होता है, नी वीक हो जाते हैं, ये उसका एक अलग से सिम्टम्स है उसकी। और मेन उसका एक सेक्सुअल सिम्टम्स ये है कि स्क्रोटम एरिया में, प्राइवेट पार्ट में जो पसीना होता है उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ये भी एक इसका इंडिकेटेड सिम्टम्स है। अब बात करता हूं मैं नेक के बारे में, तो ये स्टिफनेस ऑफ द नेक की दवाई है और बैक पेन, और बैक की वजह से पेन राइट साइड में, साइटिका हम जिसको बोलते हैं, तो साइटिका की एक अच्छी दवाई, जब पेन बैक से राइट लेग तक जाता है और राइट लेग में बर्निंग एंड नमनेस उसका एक सिम्टम्स है, और पेशेंट अपने टो पे खड़ा हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, या तो विदाउट मूवमेंट वो एक जगह पे रहेगा, एक ही पोजिशन में रहेगा तो उसको अच्छा लगता है। एक ब्राइनिया का भी सिम्टम्स है। उसके मेंटल सिम्टम्स बताऊँ तो एक ही मेंटल सिम्टम्स है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का मेंटल सिम्टम्स है कि सपोज पेशेंट बताना चाहता है कि राइट हैंड, लेकिन गलती से वो राइट हैंड बताएगा लेकिन बोलेगा लेफ्ट हैंड, तो कॉल मिस्ट बाय मिस्टेक, कॉल थिंग्स बाय रॉन्ग नेम, ये इसका सिम्टम्स है। और ये रूब्रिक में और मेडिसिन है, स्ट्रेमोनियम है, या तो लेक कैनाइनम है, सल्फर है, कैल्केरिया है, सेपिया है, ये सारी मेडिसिन ये सिम्टम्स में आती है, ये रूब्रिक में आती है।
तो एक डायस्कोरिया के बारे में बात हुई। काफी छोटी मेडिसिन है लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत यूनिक है, खास करके ये पेन रिण की वजह से। आप बोल सकते हो कि उसको पोलीक्रेश का भी आप दर्जा दे सकते हैं, वर्टिगो की भी अच्छी दवाई है। पेशेंट ऐसे फॉलिंग फॉरवर्ड चक्कर की वजह से और गैस की वजह से चक्कर हो गए, और चक्कर की भी अच्छी दवाई है। तो ये सारी बातें थी डायस्कोरिया के बारे में। गोल्ड स्टोन, रेनल स्टोन, साइटिका और कोई भी तरह का पेन जो पेन डिस्टेंट पार्ट में फील होता है और मूव होके दूसरी चलता रह जाता है, रेडिएट पेन होता है, ये बहुत अच्छी दवाई है डायस्कोरिया के बारे में। ये सारी सिम्टम्स मैंने बताए, पसंद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।